हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 2। और आप देख रहे हो भाई साहब रीस्टार्ट। यहां पर इस लेक्चर की खासियत क्या होने वाली है, दिस इज नॉट द बेसिक वन शॉट लेक्चर जहां पे सिर्फ आपको फ्रेमवर्क समझ में आ जाए चैप्टर का। यहां पर हम एनसीईआरटी में छलांग लगाएंगे, एक एक पेज पढ़ते जा रहे हैं, एक्टिविटीज हर एक्टिविटीज को हम यहां पर करते जा रहे हैं। एंड भाई आपके एग्जाम के हिसाब से सवाल जो है वो करने बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी अपन साथ के साथ करते जा रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक तौर पे समझा कि भाई केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इक्वेशंस क्या होता है, ठीक है, कैसे फॉर्मूलाज बनाए जाते हैं, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, जिनको नहीं आ रहा है इस लेक्चर में यूज होने वाला है, तो आई वॉन्ट कि भाई वो पढ़ लेना। और एक रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे अपने रीस्टार्ट से जुड़ चुके हैं, आई वॉन्ट कि भाई आप लोग इसको आग की तरफ फैलाओ, ताकि बाकी जितने भी बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई साइंस कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, उनको भी हेल्प हो एंड अपनी अवेयरनेस बढ़े। नया चैनल है, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और लेक्चर नंबर 2 जो है वो आने बहुत बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर अपन वो चार मेन टाइप के रिएक्शन भी पढ़ेंगे और इक्वेशन के, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बैलेंस करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ही आते हैं अपन एक सवाल के साथ, और ये सवाल जो है इसका जवाब के लिए लेक्चर 1 देखना बहुत जरूरी है, इसके पहले वाला हिस्सा। सो क्या है एग्जाम्पलर का 36 क्वेश्चन है। अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन टू गिव अ व्हाइट कंपाउंड एक्स, ठीक है, ये तो पता है अपने को, समझ में आ रहा है, एकम्पेंड बाय एमिशन ऑफ लाइट, ठीक है। इफ द बर्निंग ऑफ रिबन इज नाउ प्लेस्ड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन, इट कंटिन्यूज टू बर्न एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड वाई, ठीक है। तो अपन पहले एक्स की बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, किसी और के एक्स की बात नहीं करेंगे हम, यहां पर जो एक्स बोला है इस एक्स की बात कर रहे हैं, गलत बात नहीं, ठीक है। सो मैग्नीशियम जब बर्न किया जाता है तो पता है सर अपने को कंबस्चन, और कंबस्चन मतलब रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, और इसका मतलब है कि क्या बनता है सर, इसका मतलब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही होता है व्हाइट कलर का। और यहाँ पर चिंगारी भी, वो बर्निंग जो है प्रॉपर दिवाली की फुलझड़ी की तरह हो रही होती है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हीट निकल रहा होता है, ठीक है, ऐसे चिंगारी का साइन नहीं डालना, देखो हीट की जगह हार्ट लिख रहा हूँ मैं, एक्स आ गई तो भाई ये सब चीज़ें आ जाती हैं अपने यहाँ, पता नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक रिएक्शन, अच्छा ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, आगे अपन देख रहे होंगे, ठीक है। चिंगारी का सिंबल हटाओ सर, नहीं तो हम इसको लिख देंगे एग्जाम में, फिर आप समझना, ठीक है। तो ये तो हो गया, इसके बाद क्या बोला है कि अगर हमने इसी मैग्नीशियम रिबन को अगर हमने नाइट्रोजन की प्रेजेंस में अगर इसको किया होता तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन हुआ होता सर वैसे केस में, और मैग्नीशियम नाइट्राइड बना होता सर। इसके लिए अगेन केमिकल फॉर्मूला आना चाहिए, मैग्नीशियम का है Mg2+, बराबर, मैग्नीशियम का है Mg2+ और नाइट्राइड का होता है N3-, 3 इधर 2 इधर, सो ये हो गया Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड, क्या बात है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन When X is dissolved in water. वैसे मैं अभी फिलहाल के लिए बैलेंस कर सकता हूं, बट आई विल अवॉइड द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का मतलब अपने ने बेसिक तौर पर समझा था लेक्चर 1 में, एंड दैट वॉज कि सर जैसे अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 3 मैग्नीशियम है, यहाँ पर एक ही मैग्नीशियम है, तो सर 3 तो लिखना पड़ेगा, yes. और जैसे यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, इधर 2 नाइट्रोजन, तो ये तो बैलेंस हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से अपने को बैलेंसिंग करना होता है। यहाँ पर भी देखो मैग्नीशियम यहाँ पर दिख रहा है 1, यहाँ पर 1, कोई बात नहीं, इक्वल है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो आई विल राइट 2 हियर। ऑक्सीजन 2 हो गया, पर देखो यहाँ पर तुम्हारा मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो मैग्नीशियम 2 करने के लिए मेरे को 2 यहाँ लिखना पड़ा। नाउ दिस इज बैलेंस। अभी सर ये बैलेंसिंग आपने फटाफट बता दिया, भाई हमको भी तो प्रैक्टिस करनी है, हमको भी तो बताओ। तो आइए इस चीज को अपन देखेंगे, पर उससे पहले भी कुछ और एग्जाम्पलर के सवाल जो आई थिंक आने बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आप डार्क बैकग्राउंड यूज करिए और लाइट बैकग्राउंड में दिक्कत होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट देखो अगर आप बात कर रहे हो कि आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के थ्रू कुछ चीजें पढ़नी है, तो भैया एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक काले में तो अभी तक नहीं रिलीज करी गई है, सो दिस इज वन थिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा कोप अप करना पड़ेगा, फिर भी जहां जहां पर डार्क मतलब मेरे को लग रहा है गुजर सकता हूँ डार्क, वहां डाल देता हूं मैं। फिलहाल
सवाल देख लो क्या है, व्हाई डू फायरफ्लाइज ग्लोज एट नाइट। तो आपको फायरफ्लाइज का मतलब पता है क्या? वो गाना सुना है क्या? कौन सा? शमा कहे परवानी से, नहीं नहीं ये गाना नहीं सर, वो वाला जुगनू। जुगनू पता है? जी हाँ, जुगनू जो सर शाम के टाइम पे उड़ता रहता है और उसके उसके जलते रहते हैं पीछे की तरफ, जो है ग्लो करता रहता है लाइट, है ना। सो दैट इज दी फायरफ्लाई। ठीक है, तो ये जो हमारे गांव में उसको बिहार में भगजुगनी बोलता है सर। तो ये जो भगजुगनू होता है, भगजुगनी का क्या कहानी, कैसे ग्लो करता है ये? तो ये बेसिकली आपको पता होगा, इस कहानी को बोलते हैं बायोलुमिनेंस। सो ये क्या बड़ा सा शब्द बता दिए। बायो का मतलब लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म मान लो तुम, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म। लुमिनेंस का मतलब होता है लाइट। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लाइट एमिट करते हैं, उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल रासायनिक रिएक्शंस होते हैं, है ना, और वो लाइट एमिट करते हैं। सो डीप अंडर वाटर, जो डीप ओशन होते हैं, वहां पर भी बायोलुमिनेंस काफी देखा जाता है। ठीक है, तो अपने को फायरफ्लाइज का पूछा है तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि दिस इज बिकॉज ऑफ बायोलुमिनेंस। पर अगर थोड़ा सा एक स्टेप डिटेल की बात करी जाए तो उसके अंदर एक केमिकल होता है, एक प्रोटीन होता है कॉल्ड लूसीफेरिन। ठीक है, लूसीफर नहीं, लूसीफेरिन। और लूसीफेरिन नाम का प्रोटीन, ये फायरफ्लाई के अंदर ये एक प्रोटीन होता है। अब होता क्या है, जब वो रेस्पिरेशन करता है या जब वो ब्रीथ करता है, तो जब उसको ऑक्सीजन मिलता है तो लूसीफेरिन रिएक्ट्स विद दैट ऑक्सीजन। लूसीफेरिन, मान लो मैं इसका फॉर्मूला तो अपने को नहीं लिख रहा, तो लूसीफेरिन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से लाइट एमिट हो रही होती है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक मैग्नीशियम जब बर्न करता है तो कैसे लाइट एमिट करता है, वैसे यहाँ पर लूसीफेरिन का भी सेम एक्शन है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सर ग्रेप्स की। तो सर अंगूर जो है ये तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, मजा आता है, पर ये ग्रेप्स की अगर हम बात करें, ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट डू नॉट फर्मेंट बट आफ्टर बींग प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट। अब ये अगेन एग्जाम्पलर का 29th क्वेश्चन है। ठीक है, आफ्टर बींग प्लक्ड फ्रॉम द प्लांट कैन बी फर्मेंटेड, अंडर वॉट कंडीशन डू दीज ग्रेप्स फर्मेंट। ठीक है, इज इट अ केमिकल और अ फिजिकल चेंज? ऑफकोर्स इज अ केमिकल चेंज। ये तो समझ में आ रहा है कि सर ये केमिकल चेंज है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कुछ तो रिएक्शन होता है। क्या कहा जा रहा है कि अंगूर जो उसके क्लाइंबर, जो उसका पेड़ जो पौधा या कुछ भी बोल दो यार, जो उसके बेल पे जो अंगूर जब होता है, जो अपने प्लांट के अंदर होता है, उस टाइम पे वो फर्मेंट नहीं करता, मतलब सड़ता नहीं, खराब नहीं होता। ठीक है, उसमें कोई ऐसा रॉटनिंग रिएक्शन मतलब वैसा नहीं हो रहा। ठीक है, पर जैसे उसको तोड़ के और फिर टूटा हुआ अंगूर रहेगा तो कैसे जल्दी से खराब हो जाता है, कैसे जल्दी से फर्मेंट हो जाता है, व्हाट इज द रीजन? ठीक है, तो इसका कारण ये समझ लो, इवन ये भी देखा होगा तुमने कि अंगूर गुच्छे में रहेगा तो काफी टनाटन रहेगा, पर टूट के जब टूटा हुआ अंगूर रहेगा तो जल्दी खराब होता है। रीजन ये है कि जब वो प्लांट में रहेगा, जब तक गुच्छे के अंदर है तब भी उसको प्लांट का एक फील आ रहा है, तो प्लांट में जब वो रहेगा ना उसमें उसका एक क्या बोलते हैं उसको, उसका एक सेल्फ इम्यूनिटी होता है। तो जब ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द प्लांट है तो उसका एक इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है उसको बचा रहा है। ठीक है सर, इम्यून सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारे हमको कोई बीमारी ना लगे उसके लिए जो भी माइक्रोब्स है उससे हमारा शरीर खुद लड़ता है ना अपने एंटीबॉडीज से, तो वैसा उसका भी एक इम्यून सिस्टम है जो उसको बचा रहा होता है जब वो पेड़ पे लटका हुआ है। ठीक है, तो फर्मेंट होने से या कुछ ऐसी चीजों से वो बचा रहा होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से उसको बचा रहा होता है। पर जैसे ही उसको तोड़ दिया गया, प्लांट से डिटैच कर दिया गया, तो जैसे ही उसको प्लग कर दिया गया, प्लग करने के बाद, डिटैच करने के बाद क्या होगा कि कोई ऐसा इम्यून सिस्टम तो उसका उस टाइम पे काम नहीं करेगा, एंड इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब उसको जो है प्लांट से जो ऑक्सीजन मिल रहा था अब वो नहीं मिल रहा, तो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब पता है क्या होता है, तुमको पता है रेस्पिरेशन दो तरीके होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनरोबिक रेस्पिरेशन। विदाउट ऑक्सीजन क्या होता है, एनरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या शुरू हो जाता है, एन एरोबिक माइक्रोब्स गेट एक्टिवेटेड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, एनरोबिक माइक्रोब्स
गेट एक्टिवेटेड विच डू द फर्मेंटेशन। ठीक है, तो एनरोबिक एक्टिविटी जो है शुरू हो जाती है जैसे इसको प्लांट से डिटैच कर दिया जाता है। ठीक है, बात समझ लो। इसमें क्या था फायरफ्लाई वाले में, भाई उसके अंदर एक ल्यूसिफेरिन नाम का प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन जब वो सांस लेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके वो जो केमिकल बना रहा होता है उससे वो लाइट वहीं एमिट हो रही होती है। सो इट इज द लाइट इज एमिटेड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन विद ल्यूसिफेरिन। यहाँ पे क्या है, जब उसको प्लांट के अंदर जब रहता है तो उसका इम्यून सिस्टम जो फर्मेंटेशन है वो होने नहीं देता, माइक्रोब्स को एक्ट करने नहीं देता, पर जैसे उसको प्लांट से डिटैच कर लेते तो माइक्रोब्स गेट एक्टिवेटेड एंड स्पेशली एनरोबिक प्रोसेस स्टार्ट्स, और जिसकी वजह से क्या होता है फर्मेंटेशन होने लगता है, ग्रेप्स जो है वो खराब होने लगते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस, ये ना छोटी छोटी चीज़ें, मतलब साल बीत जाता है और फिर ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है तुम आंसर नहीं कर पाते हो, यू गेट स्ट्रगलिंग कि यार चैप्टर पढ़ लिया पर ये सब चीज़ें नहीं। तो बेसिकली हमने इस तरीके से इसको तैयार किया हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी तुमको लगता है कि सर इसको कुछ हम ऐसे कर सकते हैं या ये कर सकते हैं, एनी थिंग दैट यू फील कि हाँ यार इसको ऐसे इस अंदाज में करते तो ज़्यादा समझ में आ रहा होता। बेसिकली अगर कोई वन शॉट देखना चाहता है ना, दी ऑल टाइम बेस्ट वन शॉट इज द टारगेट 95+, जो अपना मेन चैनल एड्यू मंत्रा के ऊपर है। चैप्टर का नाम डालो, टारगेट 95+ डालो, ठीक है, यू विल गेट जो भी चैप्टर चाहिए सब मिल जाएगा। और आपको एकदम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से, मतलब कुछ चैप्टर डिलीट हो गए हैं अगर वो उस हिसाब से देखना है, तो आपको CBSE सिंप्लीफाइड जो हमारा लास्ट ईयर का सीरीज था, दैट वॉज ऑल्सो वन शॉट। ठीक है, तो अगर क्विक में देखना है तो वो सही है, बट डिटेल में पढ़ना है तो दिस हैज टू बी डन। ठीक है, सही है सर, सही है। ओ तो अपने को यहाँ पर अभी जो हम इस लेक्चर में जो जो चीज़ें बताने वाले हैं, जो आपको एक निष्कर्ष बताने वाले हैं, वो जिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ कि सर अपन क्या क्या चीज़ें बेसिकली कर रहे होंगे अपन इस चैप्टर में। अभी फिलहाल इस लेक्चर में बैलेंसिंग सीखेंगे केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, इसके अलावा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में देख रहे होंगे। एक्सोथर्मिक का मतलब यह है जिससे हीट क्या होती है, रिलीज हो रही होती है, जिस रिएक्शन के वजह से हीट रिलीज हो रही होती है उसको एक्सोथर्मिक, हीट बाहर निकल रहा है। और एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हमको हीट करना पड़े, ऐसा रिएक्शन जिसमें हमको हीट करना पड़े वो एंडोथर्मिक रिएक्शन। सब एग्जांपल देखेंगे आज अपन, डोंट वरी। ठीक है, और जो चार मेन टाइप के रिएक्शंस हैं, फोर मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वो अपन देख रहे होंगे बेस्ड ऑन द रिएक्टिंग पैटर्न। तो कौन सा है सर ऐसा फोर टाइप? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से ही समझ में आ रहा है सर, कंबाइन होगा यहाँ पे, बिल्कुल केमिकल्स कंबाइन होंगे यहाँ पे। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इससे समझ में आ रहा है कि इसका अपोजिट है, यहाँ पर ब्रेक हो रहा होगा, कोई केमिकल ब्रेक डाउन होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सही है भाई, बिल्कुल सही है सर। आगे चलिए, अगला है, तीसरा है ला 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 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा है भाई साहब, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये बेसिकली अपन आज के लेक्चर में इन्हीं को डिटेल में टेक्स्ट बुक से एक्टिविटीज के थ्रू, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस के थ्रू इन्हीं चीजों का अपन पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सो सर एक बार क्विकली बता दीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होगा? यहाँ पे टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा होगा, ये इसकी पहचान होती है, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसके बाद डीकम्पोजिशन इज उल्टा, इसमें द टाइप ऑफ रिएक्शन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पे हमेशा रिएक्टेंट सिंगल होता है, सिंगल रिएक्टेंट डीकम्पोजेस टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे होंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट एक रहता है, यहाँ पे रिएक्टेंट एक होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है सर?
इसमें सर अदला बदली नहीं, इसमें होता है जैसे ए बी, दिस इज वन कंपाउंड और एक एलिमेंट है विच इज मोर रिएक्टिव देन ए, तो सी जो है वो ए को रिप्लेस करने की ताकत रखता है एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा, ए को अलग कर दिया जाएगा और सी जो है वो बी की जगह ले लेगा, ठीक है। सो बेसिकली ए को बाहर निकाल दिया इसने, डिस्प्लेस कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट इज द एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस टेक प्लेस। यहां पे क्या होता है, जैसे ए बी है एक कंपाउंड, सी डी है दूसरा कंपाउंड, तो अगर सी ने ए की जगह ली तो ए ने सी की जगह ले ली, म्यूचुअल एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझौता हुआ और देखो सी बी और ए डी जो है यहाँ पे फॉर्म हुआ, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस चलाया गया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइंस हुए। सब एग्जाम्पल्स के तौर पे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ रहे होंगे, ठीक है। सो लेट्स, ओ भाई साहब आ गया अपना एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में वी लास्ट टाइम हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में थोड़ा देखा था, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंसिंग, ये वाला पेज अपन ने लास्ट में छोड़ा था। सो बैलेंसिंग में याद रखो कि भाई केमिकल हम बैलेंस क्यों करते हैं इक्वेशन को, इसलिए क्योंकि सर उसमें एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो किसी केमिकल रिएक्शन में भी हमने अगर समझो पूरा सारे रिएक्टेंट्स के मास को अगर मैंने समझो 1 kg है तो सारा प्रोडक्ट का मास भी टोटल 1 kg होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो गैस निकला है उसका मास भी इंक्लूड होगा, ऐसा नहीं कि CO2 निकल गया तो उसके मास को कंसिडर नहीं करें, वो गैस जो निकला उसके मास को भी ऐड किया जाएगा, ठीक है। एंड बाय दैट मास ऑफ रिएक्टेंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, और इसीलिए अपने को क्या करना पड़ता है, हमको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, यानी नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ऑफ एटम लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है फॉर्मूला के हिसाब से अगर नहीं है तो हम बैलेंसिंग करते हैं, वहीं पे बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे जो दिया हुआ है, ठीक है, सो यू कैन जस्ट सी दिस, यहां पे जो मैंने मार्क किया हुआ इंपॉर्टेंट चीजें ऑलरेडी मार्क कर दी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से होता है, इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, यानी ऑन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। और यहां पे लेट्स सी आगे, ये देख रहे हो, वाह क्या जादू है, अब नहीं हो रहा, ठीक है। सो नाउ जस्ट सी दिस, जिंक प्लस सल्फरिक एसिड गिव जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, सो Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। अच्छा H2 सर गैस के लिए अपन ये ऐसे एरो दिखाते हैं, ये इतना बड़ा नहीं पर ठीक है। अब देखो जिंक यहां पर एक है, एक एटम है, इधर भी एक एटम है, यानी जिंक तो बैलेंस है सर, हाँ। इसके बाद हाइड्रोजन यहां 2 atom है, यहां भी 2 atom है, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है सर, यस। सल्फर यहां 1 atom है, सल्फर यहां भी 1 atom है सर, यानी ये सल्फर भी बैलेंस है। ऑक्सीजन यहां पर 4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी ऑक्सीजन 4 है, यानी ये पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड है, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड कंप्लीटली। अब एक दूजा एग्जांपल लेते हैं, लेट अस ट्राई दिस दूजा एग्जांपल अगेन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब देखो बैलेंसिंग के लिए ना मैं तुमको टेक्स्ट बुक में जो दिया है थोड़ा सा ऐसा, मतलब इतना ज्यादा विस्तार में दिखाया कि तुम परेशान हो जाओगे, तो उसी को बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं। तो कुछ चीज़ें जो है, कुछ स्टेप्स जो है, जैसे 3rd-4th step, वो सब मैं अपने एंड पे तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल ये इनिशियल स्टेप समझ लो जिससे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। लेट अस ट्राई दी टू बैलेंस दिस, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सही है, सही है सर। अब ये बैलेंस नहीं है सर, क्यों, क्योंकि यहां पर Fe 1 atom दिख रहा है और इधर पे Fe 3 है ना, Fe 3 है, तो Fe बैलेंस नहीं है पहली बात। हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन, ठीक है, पर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां पर 1 atom है और यहां पे 4 atom है, तो यानी Fe और O जो है वो उसको हमको बैलेंस करना पड़ेगा एंड ओवरऑल इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि ठीक है। सो कैसे होगा सर, चश्मा लगाते हैं सर, कैसे होएगा सर, ये ऐसा होएगा कि व्हाट वी कैन डू इज Fe 3 है यहां पर 3 है, यहां पे 1 है ना, तो सबसे पहले देखो यहाँ स्टेप 1 में क्या बताया, स्टेप 1 में ये बताया कोई भी इक्वेशन अगर तुमको लग रहा है बैलेंस करना है तो बैलेंसिंग में एक बात याद रखो, क्या याद रखनी पड़ेगी कि ये जो फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि Fe3O4 है तो आप यहाँ पे Fe O4 लिख दोगे, नहीं,
ये फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते ना तुम। तो इसीलिए क्या किया, एक प्रोटेक्शन के हिसाब से यहां पर एक बॉक्स बना दो पहले, जस्ट ऐसे एग्जाम में बॉक्स मत बनाना, जस्ट टू अंडरस्टैंड पेंसिल से तुमने ऐसे बॉक्स बना दिया जिससे कि तुमको पता है कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी है। यू नीड नॉट चेंज द फॉर्मूला, यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला, ठीक है। तो अपने को जो भी नंबरिंग करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, अब देखो ऐसा फ्रैक्शन पॉइंट डेसिमल नहीं डाल सकते, जो भी वन तो ऑलरेडी है यहाँ पर, कुछ नहीं मतलब वन है यहाँ पे। सो इन जगहों पे, यानी बॉक्स के पहले वाली जगहों पे यू कैन ऐड नंबर, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में अभी दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर, और नंबर भी कैसे है, वन तो ऑलरेडी है था ना, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो ऑन, फ्रैक्शन नहीं हो सकता, डेसिमल नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमको ऐसे कुछ नंबर्स यहाँ पर डाल के वी हैव टू डू दैट थिंग। इसके बाद थर्ड सेकेंड स्टेप क्या बोला है, लिस्ट। अच्छा पहले स्टेप में सिर्फ बॉक्स बनाने को बोले, सो दैट मतलब आप ये अपने दिमाग में समझ लो कि उसमें उसके फॉर्मूला में चेंज नहीं करना अपने को, ठीक है। स्टेप टू क्या है सर, स्टेप टू, स्टेप टू क्या है सर, पानी पीने दो पहले, एक बार देख लो। सही है बली प्यार का दुश्मन, हाय हाय, लड़का और लड़की राजी फिर भी ना माने काजी, मेरे दिल को तोड़े दिल ना जोड़े, ऐसी कुछ, ठीक है। सो अब यहाँ पे सिर्फ ये बॉक्स में ये दिखाया गया कि भाई देख लो लेफ्ट साइड राइट साइड में, जैसे एफ ई लेफ्ट में कितना है, वन एटम है, राइट में तीन एटम है, दिख रहा है ना, यहाँ पे वन एटम है, यहाँ एरो के राइट साइड में तीन एटम है, ऐसे हर एक का लिख दिया, ठीक है स्टेप टू में। इसके बाद बात करते हैं अगर हम, ठीक है। तो अब देखो इसमें जो स्टेप्स दिए हैं, अब मैं सीधे आगे के दिखा रहा हूं, पर उससे पहले का मैं तुमको बता दूं, तो वी हैव व्हाट, एफ ई प्लस एच टू ओ बराबर, एफ ई प्लस एच टू ओ। अब बैलेंस करने के ना मैंने तुमको मतलब ऐसे वीडियो के हिसाब से अगर तुम देखो तो तीन चार टेक्निक बताए हैं, बट द बेस्ट एंड द मोस्ट यूजेबल टेक्निक जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रायल एंड हिट मेथड जो होता है वो बेस्ट होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। शुरुआत में लगेगा कि सवर कैसा होएगा, कैसा होएगा, हो जाएगा, ठीक है। आज हम इतने बैलेंस करेंगे ना कि जरूर हो जाएगा, इतने मतलब तुमको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का भी जो एक्सरसाइज का है वो भी देखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सारे करेंगे, सो नो वरीज, ठीक है। अब यहाँ पर एफ ई सर, तो हमको फॉर्मूला तो चेंज नहीं करना है सर, इसका मतलब कहाँ चेंजेस करने हैं, हर एक के नंबर में आप चेंज, कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो एफ ई टू है ना सर, यहाँ पे वन है, तो सर अपन क्या कर सकते हैं, अच्छा एफ ई टू ओ थ्री नहीं है, एफ ई थ्री ओ फोर है, आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पर एफ ई थ्री ओ फोर बराबर है। तो हमको जो चेंजेस करने हैं वो कहाँ पर करना है सर, ये तीन है और सर ये चार है, ठीक है। नाउ जस्ट सी चेंजेस कहाँ कहाँ पर करने हैं सर, वहां पर एफ ई थ्री है, आई कैन राइट थ्री ईयर, पर नॉर्मली पता क्या बोला रहता है कि तुम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करो, ट्राई टू बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, ठीक है। तो इनिशियली यू कैन ट्राई विथ दैट, पर मेरा मेरे टेक्निक में क्या करता हूँ, आई ऑलवेज फील कंफर्टेबल, मैं पहले मेटल को बैलेंस करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो कर रहा होता हूँ मैं बस वही फ्लो बता रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे फिर कहीं कहीं भी जरूरत पड़ती है कि नहीं मेटल से नहीं हो रहा है, फिर हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन शुरू कर रहे होता है, फिलहाल चलो ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तीन आयरन है, मैंने तीन यहाँ पर डाल दिया, यानी आयरन तो बैलेंस हो गया सर, बराबर आयरन बैलेंस हो गया, आंखें नहीं दिख रही, चलो। अब यहां पर एफ ई तो बैलेंस हो गया सर, अभी अपन करते हैं किसको, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी टू और टू दिख रहा है, अभी सिर्फ हमको ऑक्सीजन को बैलेंस करना ना, तो ऑक्सीजन यहां पे चार है और यहां पे कितना है वन है, तो आई विल राइट फोर हियर। अब फोर लिखने से ऑक्सीजन तो फोर हो गया, पर हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, फोर टू जा एट, हाइड्रोजन कितना हो गया, फोर टू जा एट, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है सिर्फ अभी टू, तो एट कैसे होगा, एट लिख दूं यहाँ पे, नहीं एट टू जा सिक्सटीन हो जाएगा सर, तो यहाँ पर भी आपको फोर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे अपन ने फोर लिख दिया,
पर जैसे आप ये कर लेते हो ना, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है ना, यू नीड टू मेक श्योर कि आप वापस से रीचेक कर लो। कभी भी याद रखना, बैलेंसिंग लग रही है कि हाँ यार ये तो अभी सही हो ही गया है, स्टिल रीचेक कर लो, ठीक है। तो 3 Fe + 4 H2O गिव्स Fe3O4 एंड 4। सो अब कैसे होगा, नाउ जस्ट सी, इधर 3 Fe है सर, इधर भी 3 Fe है, इधर 4 2 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 2 8 हाइड्रोजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, बराबर है, बैलेंस हो गया। अच्छा मैं तुमको एक और इक्वेशन लिख के बताता हूँ, सेम मैं एक और बैलेंसिंग लिख के बताऊंगा एंड दैट विल बी ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब मैं सेम इक्वेशन लिखता हूँ, Fe + H2O गिव्स, सेम इक्वेशन है, Fe3O4 + H2। अब एक देखना, ये ऐसे भी बैलेंस्ड है, मतलब इफ आई राइट 6 ओवर हियर, इफ आई राइट 8 ओवर हियर, इफ आई राइट 2 यहां पे और यहां पे लिखता हूं 8, अभी भी देखो ये बैलेंस्ड है, ठीक है, मजाक नहीं करो, अभी बैलेंस्ड है। 6 Fe 2 3 6 Fe, ठीक है, 4 8 2 16 हाइड्रोजन, यहां पर भी 8 2 16 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखो, यहां पे 8 ऑक्सीजन है और यहां पे कितना है, 4 2 8, बैलेंस्ड है। पर ऐसा नहीं चलता, वी नीड टू राइट इन द सिंपलेस्ट रेशियो। मैंने सिर्फ इस पहले वाले इक्वेशन को मैंने क्या किया था, मैंने 2 से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो यार, क्या होगा, वो बैलेंस देगा फिर भी। सो किसी को लगे कि सर ये भी तो बैलेंस है, ये भी तो लिख सकता हूँ, नहीं, यू हैव टू राइट इन द सिंपलेस्ट रेशियो। तो इसको कंप्लीटली मैं जब 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 4। तो यू हैव टू राइट इन द सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, और वो भी फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में नहीं। आइए चलते हैं आखिरी जो स्टेप में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। सो वो ये बोला गया है कि राइटिंग केमिकल सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। तो जो भी आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख रहे हो उसका जो ब्रैकेट में आगे उसका फिजिकल स्टेट भी लिखा जा सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, 4 फिजिकल स्टेट्स आपको याद रखना है। कौन से सर जो आपकी किताब में यहाँ दिए हुए हैं, जस्ट सी दिस टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अब ये सवाल आ सकता है, व्हाई डू वी राइट फिजिकल स्टेट्स इन इक्वेशन, फिजिकल स्टेट क्यों लिखते हैं? तो उसका आंसर यहाँ पे, टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको जी यानी गैस, एस यानी सॉलिड, जी यानी गैस, एस यानी सॉलिड, ठीक है। अब कितने फिजिकल स्टेट है, 4, द गैशियस स्टेट, लिक्विड, एक्वस एंड सॉलिड। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल स्मॉल में सब, गैस में जी और एक्वस के लिए AQ। एक्वस क्या होता है तो वो भी यहां बताया है, देख लो यहां पे, द वर्ड एक्वस इज रिटन इफ द रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। कोई चीज अगर पानी में घुली हुई है तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एक्वस, ठीक है, सही है। मैं एक बार चेक कर लूं ये माइक में आवाज आ रही कि नहीं, तो क्या है कि कई बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज एक्वस। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ठीक है, ये याद ध्यान में रखना, 5वां स्टेट मत लिख देना। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन केमिकल। नॉर्मली हम कोई इक्वेशन लिखने के टाइम पे ये सब मेंशन नहीं करते, क्या बोला है इक्वेशन, अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई। मतलब अगर तुमको एग्जाम में आया ना इक्वेशन लिखो और उसकी फिजिकल स्टेट भी मेंशन करो तभी फिजिकल स्टेट लिखना, बिना मतलब का फिजिकल स्टेट लेने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हो सकता है फंस जाओ कि वहां H2O की जगह तो H2O बन रहा था, उसमें तो मैंने लिक्विड लिख दिया, पर हो सकता है कि जैसे यहां पर H2O जो है वो गैस की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में यूज हुआ है, तो इसलिए जब नहीं दिया है डोंट। और मतलब ऐसा कुछ भी कोई इक्वेशन देगा तुमको नहीं बोलेगा कि हाँ भाई इसका फिजिकल स्टेट लिखो, जिसका तुमको पता ही नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जो अपन पढ़ेंगे 10वीं में उसके हिसाब से चीजें आएंगी ना। अब ये समझ आ गया सर, इसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, ये तुमने, मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो रिएक्शन की कंडीशन होती है ना वो इक्वेशन में हम क्या करते हैं, एरो के ऊपर या नीचे मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन हो रहा है तो वो हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर या इस वाले में दिस इज योर फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में,
एरो के ऊपर सनलाइट, नीचे क्लोरोफिल, कोई भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये एरो के ऊपर या नीचे हम क्या करते हैं, जनरली कंडीशन मेंशन करते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट, है ना, मैंने कैटलिस्ट के बारे में बताया था पिछले वाले में, पिछले लेक्चर में, जिन्होंने अटेंड किया है, अगर एक लाइन में कैटलिस्ट को डिफाइन करना हो अपने शब्दों में, मुझे बताना, कोई बुकिश लैंग्वेज नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। आगे देखते हैं सर, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, क्या बात है सर, एक शेर हो जाए, शेर नहीं होता अपने से भाई, अपने से शेर और शायरी नहीं होता रे बाबा, अपने से बस यही होता है। वाह, गर्मी का मौसम आ गया बताए यहाँ पे। सो अब ये हो गया अपना, हमने रिएक्शन की कंडीशन भी मेंशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो गई। अब आगे चलते हैं सर, थोड़ा सा बैलेंसिंग वैलेंसिंग करें, प्रैक्टिस करें बैलेंसिंग की, करेंगे। और मैंने अलग टेक्निक्स, जितने मेथड्स बताए ना, उन मेथड्स को ज़रूर चेक करना, मतलब इफ़ यू फाइंड कि भाई इसके अलावा को जो भी मेथड तुमको पता होने चाहिए, कौन सा तुमको ठीक लग रहा है, तो देख सकते हो। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एड्यू मंत्रा, ये डालोगे ना तुमको तीन चार, मतलब वीडियोस तो कई मिल जाएंगे उसमें एड्यू मंत्रा के ही, पर आपको तीन, दो तीन तो मेथड्स मिलेंगे, कम से कम तीन है, ठीक है। जरूर चेक करना उसमें से कौन सा आपको ठीक लग रहा है बताना, बट जब सब कर लोगे ना लास्ट में यही करोगे तुम, ठीक है, एक बार बैलेंसिंग आ जाएगी। बस वो स्वैग मारने के लिए ठीक होता है, बट एंड में यू डू दिस मेथड ओनली, ठीक है। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो अगर इसके बाद भी बैलेंसिंग में इशू होगा ना, आई विल रीमेक सम वीडियो, सो नो वरीज ऑन दैट। बट अपन आज जितना करने वाले हैं, आई डोंट थिंक की दिक्कत होगी, देख लेते हैं। पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तीन यहाँ पर दिए हुए हैं, धड़ाधड़ कर लेंगे। ये इंटेक्स्ट वाला है, दिस इज नॉट योर एग्जाम्पलर, ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर का, ठीक है। सो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, सर ये तो बड़ा सिंपल है सर, हाइड्रोजन यानी H2 फॉर्म में होता है सर, कैसे पता लगा, इसके लिए लेक्चर वन देखना पड़ेगा, जिसे मैंने बताया था कि मेटल जो है जनरली एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, सिंगल एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन ये सब डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं, H2 N2 Cl2, है ना, तो वो ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन यानी H2 प्लस Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। बैलेंस कर ले, दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, यहाँ पे एक एक है, दो डाल दिया, क्या बात है सर, बढ़िया। आगे बेरियम प्लस क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट, सर बेरियम क्लोराइड कैसा आएगा फॉर्मूला, लेक्चर वन देखना पड़ेगा, हाउ टू डू केमिकल फॉर्मूला, अलग से वीडियो बनाया हुआ मैंने, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, 9th की चीज है भाई। बेरियम क्लोराइड इज BaCl2 प्लस अल्यूमिनियम सल्फेट इज Al2SO4, बराबर है Al2SO4 थ्राइस, क्यों कैसे आया, अल्यूमिनियम क्या होता है Al3 प्लस और सल्फेट क्या होता है SO4 2 माइनस, 3 इधर आया 2 इधर आया, ठीक है। तो ये सब कौन सा याद रखना है, ये सब लेक्चर वन में बताया गया है, ठीक है। अच्छा इसके बाद गिव्स बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट विल बी, अब देखो बेरियम में है Ba2 प्लस, सल्फेट में है SO4 2 माइनस, सिंप्लीफाई होगा 2 1 2 1 1 बचा दोनों साइड में, तो ये बन गया BaSO4 प्लस अल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3, सही है, कर सकते हो बैलेंस, कर सकते हो, ट्राई मारो, मैंने ये लिख दिया बैलेंस, ट्राई मारो। और जिनका भी आता जाएगा ना, वो एक हार्ट या किसी तरीके से बताते जाओ यार, मुझे नहीं पता कमेंट में कैसे बताओगे, यू आर बेटर इन दैट, ट्राई मारो, ये दोनों ट्राई मारो यार, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर वाला भी पॉज करके करो यार, मैं से रुकने का लॉजिक नहीं है, पॉज करके करो एंड मैं स्टार्ट करता हूँ अभी। सो अब देखो मैं देख पा रहा हूँ कि यार SO4 पूरा ग्रुप यहाँ पे थ्राइस है, तो मैं सीधा यहाँ पे 3 लिख दूँ, चलता है सर, सीधा 3 लिख दिया, मतलब वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, जब आना शुरू हो जाता है भाई मज़ा। सो 3 लिख दिया अपन ने, SO4 थ्राइस है और बैलेंस हो गया, मतलब लग रहा है। बेरियम यहाँ पर 3 है, मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, बेरियम यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन कितना हो गया, देखो
थ्री टू ज़ा सिक्स, यहाँ पर थ्री है, टू डाल दिया, टू थ्री ज़ा सिक्स, क्लोरीन हो गया। अल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर, अल्यूमिनियम टू है, यहाँ भी टू है। नाउ दिस इज बैलेंस्ड, कितनों का आया है बताते जाएंगे, हाँ बैलेंसिंग आता जाएगा जिस पॉइंट पे, हम इतना करेंगे आज की आ ही जाएगा, पर जिस पॉइंट पे आ जाएगा एक थम से बता कर देना, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सो सोडियम इज वॉट, Na प्लस वाटर इज H2O गिव्स NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, सही है। सोडियम वन है, सोडियम वन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वन है, ऑक्सीजन वन है, हाइड्रोजन यहाँ पर टू है, हाइड्रोजन यहाँ पर टू और ये वन थ्री है, तो हाइड्रोजन थ्री को बैलेंस करना यहाँ डिफिकल्ट होगा एक ही जगह पे यहाँ पे। सो व्हाट विल डू इज आई विल राइट टू हियर, इवन नंबर करना बहुत जरूरी हो जाएगा क्योंकि अब फोर करना आसान रहेगा ऑक्सीजन को। सो व्हेन आई डू दिस कितना हो गया, देखो हाइड्रोजन फोर टू और टू, हाइड्रोजन हो गया फोर, फोर करना आसान है, कैसे लिख दूंगा मैं टू, सो टू टू ज़ा फोर। ऑक्सीजन कितना हो गया टू, ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो ऑक्सीजन यहाँ पर टू हो गया, सोडियम टू है, सोडियम को टू लिख देंगे, दिस इज ऑल्सो बैलेंस्ड, ठीक है। और आएगा टेंशन मत लो, आता जाएगा, बैलेंस करते जाना है, प्रैक्टिस अगेन इन टेक्स्ट का कुछ और सवाल देखो। सो राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग, देखो ये सब चीजें ना बहुत ध्यान से देखनी होती है, यहाँ स्टेट भी पूछा है, ये नहीं लिखा होता ये नहीं करोगे एग्जाम में नंबर कट जाएंगे, यहाँ स्टेट मेंशन करने को बोला है, ठीक है। सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड स्टेट सिंबल्स, ठीक है, तो बैलेंसिंग भी करना है और फिर स्टेट उसका फिजिकल स्टेट भी बताना है। सो पहला वाला है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, यानी कि फर्स्ट वाले की बात करूं अगर मैं तो BaSO4 बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 है ना, सोडियम का Na प्लस और सल्फेट का SO4 2 माइनस, सो Na2SO4 विद क्रिस क्रॉस किया। इसके बाद जिनको भी दिक्कत हो रही है भाई लेक्चर में देखना पड़ेगा, नो चारा, और उसके साथ साथ नोटबुक और पेन लेके अपने नोट्स बनाते जाओ साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैबिट बनाओ, ठीक है। सो इसमें रिएक्शन में क्या आएगा सर, ये रिएक्ट होएगा और ये प्रेसिपिटेट इनसोल्युबल सॉलिड फॉर्म होगा ना, प्रेसिपिटेट जिसको हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बनेगा यानी BaSO4 बनेगा और NaCl बनेगा। नाउ दिस इज एक्वस, ये एक्वस है, ये सॉलिड है क्योंकि दिस इज अ प्रेसिपिटेट बोल दिया गया है ऑलरेडी, है ना, इनसोल्यूबल सॉलिड बना है, एंड सॉल्यूशन ऑफ दिस, सो दिस इज एक्वस फॉर्म, और ये दोनों क्या रहेगा, इनके फिजिकल स्टेट्स क्या रहेंगे बताते जाओ। द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड एक्वस इन वाटर रिएक्ट्स विद, सो ये दोनों के फिजिकल स्टेट्स यू हैव टू फाइंड एंड राइट, ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सोडियम सल्फेट, ओके वहाँ पे तो मैंने लिख दिया हुआ है, दैट यू नीड टू डू। इसके बाद क्या लिखोगे, फिजिकल स्टेट ऑफ दिस, सर्च मारो और सीधे बताते जाओ, ठीक है, एंड ये कमेंट करके बताओगे तुम, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ होमवर्क। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, यानी ये जब इन वाटर बोला है तो ये कौन से फॉर्म में है, यहाँ पर भी सॉल्यूशन बोला गया है इन वाटर, तो ये इन वाटर है, तो यू कैन राइट यहाँ पर भी वही बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, सो यानी कि NaOH, ठीक है, वाटर में जब सॉल्यूशन रहेगा तो उसको कौन सा फिजिकल स्टेट लिखते हैं वो आपको लिखते जाना, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स, फिजिकल स्टेट भी लिखना है और बैलेंस भी करना याद रहे, गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, तो यहां पर NaCl प्लस H2O, बराबर। बैलेंसिंग की बात करें अगर हम तो
ये वाला ऑलरेडी बैलेंस है, यस दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। ऊपर वाला भी अगर हम देखें तो बी ए एस ओ फोर एस ओ फोर एन ए टू, सो जस्ट सीधा टू आ जाएगा बाकी बैलेंस है। ठीक है, आगे नाउ दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ट्राई करो, पॉज करो, ट्राई करो गाइस। यस सोनू पपलू चिंकी रिंकी डोंकी सो बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहां पर आपको बहुत आसानी से इक्वेशन दे दिया गया है, जस्ट नीड टू बैलेंस। इधर ही ट्राई करूं क्या मैं? चलो इधर लिखते हैं, एच एन ओ थ्री। अब देखो ना क्या करना है कि जगह छोड़ा करो, हाँ कोई भी केमिकल के पहले जगह छोड़ो, नंबर लिखने के हिसाब से बैलेंसिंग करनी है, कोएफिशिएंट लगाना है। ठीक है, अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अपन जो ये कोएफिशिएंट लिखते हैं, मतलब बैलेंसिंग के बाद जो नंबर से यहाँ लिख रहे होते हैं, वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होते, दे आर ऑलवेज सेड नंबर ऑफ मोल्स। इस पर भी क्वेश्चन आता है कि जैसे अगर कोई भी बैलेंस इक्वेशन है, जैसे हमने पिछले वाले में बैलेंस लिखा, तो वॉट वॉज दैट कि वन मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद वन मोल ऑफ सोडियम सल्फेट टू गिव टू मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वन मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मतलब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं होता, वो नंबर ऑफ मोल्स होता है। ओके, सी ए ओ एच ट्वाइस, ओके सो दिस इज सी ए ओ एच ट्वाइस गिव्स सी ए एन ओ थ्री ट्वाइस प्लस एच टू ओ, करें बैलेंस इसको। कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन दो है यहाँ पे, तो आई विल राइट टू हियर। ठीक है, जैसे टू लिख दिया हमने यहाँ पे, ऑक्सीजन, अच्छा अगेन कमिंग बैक टू नाइट्रोजन टू हो गया। अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन टू है, इधर भी हाइड्रोजन टू है, सही है। तो कैल्शियम बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, जस्ट सी ऑक्सीजन कितना है, थ्री नहीं है, ऑक्सीजन है थ्री टू ज़ा सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया सिक्स बराबर, इधर ऑक्सीजन कितना है टू। ओके, इधर पे ऑक्सीजन कितना है, देखो थ्री टू ज़ा सिक्स, इधर कितना ऑक्सीजन है वन, तो यानी कि यार इधर एट है, सिक्स प्लस टू एट, यहाँ पे सेवन है, राइट जस्ट टू हियर। आई थिंक हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हुआ है, हाइड्रोजन भी अब बैलेंस हुआ है। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, इधर पे भी दो हाइड्रोजन है, चार हो गया, एंड जस्ट सी टू टू ज़ा फोर यहाँ पे। ओके, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, अब चेक कर लेना। एंड यू ऑल्सो देखो, मेरे बैलेंस करने से पहले तुम पॉज करके और तुम बैलेंस करो, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, और बैलेंस होने के बाद रीचेक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है मैं कहीं पे गलत हो जाऊँ तो भी बताना कमेंट में, ऐसा नहीं कि सर ने लिख दिया सही होगा, यह नहीं चलता, सर से भी गलती होती है भाई। ठीक है, और सर एन ये वो एच प्लस एच टू यस वो फोर गिव्स एन ये टू यस वो फोर प्लस एच टू ओ बराबर है, तो जब हम इसको ध्यान से देख रहे होते हैं तो सोडियम वन है, कर लो आप कैमरा चालू भाई, थोड़ा ऐसा नीचे से कर लो ना, ठीक है। सो सोडियम यहाँ पर टू है, सोडियम यहाँ पे वन है, सो दिस इज टू, सोडियम बैलेंस कर लिया अपन ने। इसके बाद अगर हम बात करें, हाइड्रोजन टू है, हाइड्रोजन टू है, ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन है यहाँ पर टू, ऑक्सीजन है यहाँ पर फोर, यानी सिक्स हो गया,
और राइट साइड में फोर एंड अगेन टू, बराबर, तो ये हो गया सिक्स। अब हाइड्रोजन टू टू ज़ा फोर, हाइड्रोजन टू टू ज़ा फोर, सही जा रहा है, फोर टू ज़ा एट, ये एक सेकेंड, ये एक सेकेंड, दूसरा वाला को अपन को वापस से अच्छे से देखना पड़ेंगे। चलो तो इसको अगेन बैलेंस करते हैं, क्या ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है सर, देख लेते हैं। सोडियम टू, सोडियम टू, ऑक्सीजन फोर प्लस वन फाइव, ऑक्सीजन फोर प्लस वन फाइव, ठीक है। हाइड्रोजन इज टू प्लस वन थ्री, हाइड्रोजन इज टू हियर, बराबर ना, हाँ। तो अपने को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बेसिकली। सोडियम भी यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, तो वी विल राइट टू हियर। जैसे टू लिखा हमने, सोडियम हो गया बैलेंस्ड, ठीक है, सोडियम हो गया बैलेंस्ड। इसके बाद सल्फर एक है, सल्फर एक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही सल्फर की। ऑक्सीजन कितना है, देखो ऑक्सीजन है यहाँ पे टू और यहाँ पे फोर, सिक्स हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पे फोर है, आई विल राइट टू हियर। अब ये सिक्स हो गया ऑक्सीजन। नाउ फाइनली डूइंग इट फॉर हाइड्रोजन या चेकिंग इट फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है टू टू ज़ा फोर, इधर है टू और इधर भी है टू, आई थिंक नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज समथिंग जो बैलेंसिंग है तुमको, और देखो फिर भी तुमको लगेगा ना कि मेरे को बैलेंसिंग आ गया, स्टिल ऐसे इक्वेशन आ जाएंगे जो, सो केमिस्ट्री इज नेवर एंडिंग, उस हिसाब से आते रहेंगे। बट टेंथ के हिसाब से तुमने अगर मैक्सिमम इक्वेशन को बैलेंस कर लिया, काम हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पलर को भी उठा रहे हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज, ये वाला देख ले रे भाई, NaCl AgNO3, सो NaCl NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट, सही बात है, सही बात है, नहीं बात है, जल्दी बताओ कैसी बात है, ठीक है। सो ट्राई करते रहो भाई, ट्राई करते रहो, जब भी मैं ऐसे गाना गाता हूँ मतलब कि यू हैव टू ट्राई, ठीक है। पर थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम भी देता हूँ मैं, आई नो तुम्हारा दिमाग जो है वो हीट अप हो जाता है। सो सोडियम एक, सोडियम एक, सिल्वर एक, सिल्वर एक, क्लोरीन एक, क्लोरीन एक, एनओ थ्री, एनओ थ्री, क्या बात है सर, बैलेंस्ड है ये तो, क्या सर बैलेंस था ये तो। अब देखो इतना मेहनत कर रहे थे, क्या ये भी बैलेंस्ड है, नहीं ये बैलेंस नहीं है, ये है बेरियम क्लोराइड बी एस सी एल टू प्लस एच टू एस ओ फोर, ऑल राइट, गिव्स बी ए एस ओ फोर प्लस एच सी एल, आपका लिटरली एनसीईआरटी पूरा खत्म कर रहे हैं आप ना, देखो ये एनसीईआरटी का आपका एक्सरसाइज है, कितना इजीली, बी ए बी ए, एक एक क्लोरीन दो है वहां पे एक है भाई, फटाफट दो लिख दो। अब हाइड्रोजन टू हो गया उधर, हाइड्रोजन यहां पर टू है और कहीं हाइड्रोजन नहीं दिख रहा। सल्फर वन, सल्फर वन, ऑक्सीजन फोर, ऑक्सीजन फोर, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, सही है, बैलेंस्ड हो गया, ओके। आगे चलते हैं, अगेन एनसीईआरटी एक्सरसाइज, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप यहां पर लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर यानी H2, सही है, सही है सर, बैलेंस करिए ना सर, करेंगे बैलेंस, करने से नहीं डरेंगे हम, तो बैलेंस करेंगे। कैल्शियम वन, कैल्शियम वन, कार्बन वन, कार्बन वन, ऑक्सीजन टू एंड टू फोर, ऑक्सीजन यहाँ पे थ्री एंड वन फोर, हाइड्रोजन टू, हाइड्रोजन टू, ओ भैया बैलेंस है ना ये, कहा है कोई इतना मेहनत करो, बैलेंस है ना ये, सही है,
आगे जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सर जिंक तो ZN होता है ना, यस। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3, यस। आगे जिंक नाइट्रेट यानी कि ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर यानी Ag। Ag Og Log सुनो जी, मैं हूं मनमोजी, करता हूं मैं जो वो तुम भी करो जी। वन 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 जिंक दोनों वन, इसके बाद है लखन, इसके बाद है सिल्वर, एक सिल्वर दो सिल्वर, है ना। यामन यामन बराबर है एनओ थ्री यहाँ पर, यार ट्वाइस है। आई हैव टू राइट टू, तो टू लिख दिया, सिल्वर भी हो गया है टू और बाकी सब हो गया बैलेंस्ड। ठीक है, या छन अंतर मुलानो मुलिनो पुरानो पोरिनो, बहुत ध्यान से दिखायला पाहिजे, काय होला पाहिजे। यहाँ पर अल्युमिनियम यानी Al प्लस अल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। अह भैया कॉपर का फॉर्मूला ना लिखी है, फॉर्मूला लिख रहे हैं कॉपर क्लोराइड गिव्स अल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 प्लस कॉपर, सही है। तो अल्युमिनियम यहां पे वन है, कॉपर वन है, क्लोरीन यहां पे थोड़ा सा पंगा है, क्लोरीन यहां पे 3 है, यहां पे 2 है। जब भी अपोजिट नंबर होते हैं ना 2 और 3 का ऐसे वाले, और तो बैलेंस करना मुश्किल है ना सर, अपोजिट नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी जहां टू है वहां पर अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जिधर 3 है उधर 2 से मिलेगा, बस इधर भी 6 हो गया, 3 2 6 क्लोरीन, यहां भी 2 3 6 क्लोरीन। एल्युमिनियम हो गया यहां पे 2, तो मैं लिख दूंगा 2, कॉपर हो गया 3, यहां लिख दूंगा 3, बैलेंस्ड, सही है बच्चा। यस सर आवाज आ रही है, सही है। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, सर आगे लिखिए ना, ये चौथा वाले को यहां लिखेंगे अपन। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4, सही है। आगे बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl। अब देखो K2Cl2, यहाँ पे के भी वन है सी एल भी वन है, तो ऑब्वियसली मेरे को यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। मतलब अपना ऐसा हो गया कि भाई फटाफट रिएक्शन अपन बैलेंस कर रहे होंगे, ठीक है। K2 हो गया, इधर भी K2, Cl2 इधर भी Cl2, Ba1 S1 O4 बैलेंस हो गया। टॉन एक्सरसाइज का ही मेन सवाल 8, ठीक है। अगेन राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो टाइप ऑफ रिएक्शन तो सर जो है अपन आगे देखेंगे ना, क्योंकि टाइप ऑफ रिएक्शन तो पढ़े नहीं है, पर मैंने तुमको बेसिक तौर पे बता दिया ना, कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन, तो वो तो आप बता सकते हो ना वैसे। लेट्स ट्राई, नहीं तो फिर आगे तो अपन सीख रहे हैं। वैसे अपन पहले बैलेंस तो कर लें सर, बैलेंस तो किया नहीं हम, पहले ही जो है बता रहे हो आप आंसर, बैलेंसिंग वाला नंबर ए पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि KBr प्लस बेरियम आयोडाइड यानी BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki प्लस बेरियम ब्रोमाइड यानी BaBr2। ऑलराइट, तो आप देख लो सिस्टम सही लग रहा है, एक के दो आई एक आई, तो यहां पे कर दो 2i, तो K भी 2 हो गया, के यहाँ पे 2 कर दिया, Br2 हो गया, Br2 है वहां पे, Ba1 है, I2 बैलेंस्ड। चलते हैं आगे, दूजा वाला देखें सर, चलिए दूजा वाला देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है, जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3 बराबर है, जैसे CaCO3 होता है वैसे जिंक और कैल्शियम का तो वैलेंसी एक ही है ना भाई, 2 ही है ना दोनों का वैलेंसी सेम ही है। सो जिंक कार्बोनेट गिव्स हीट करने पे देता है, वैसे वो मैं डाल दूं हीट का साइड, नहीं दिया वहां पे, ठीक है हमने एक्स्ट्रा लिख दिया।
गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, ये गैस है सर। ओके, अब यहां पर बैलेंस कर ले, जिंक एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन थ्री है, ऑक्सीजन टू और वन थ्री है, मतलब इट इज ऑलरेडी बैलेंस। सर चलते हैं अपन, और तुम करते जाओ, यहां पे मैं जितना बैलेंस कर रहा हूं ना उतना, व्हाई एम आई डूइंग दिस, तुम सारे बैलेंसिंग यहीं पे एनकाउंटर करो, जो भी चीजें आ रही है पॉज करके सॉल्व करो। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl, ये अपन ने आई थिंक किया था ऑलरेडी। सो हाइड्रोजन इज H2, क्लोरीन इज Cl2 गिविंग HCl, ठीक है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, इधर भी लग डाल दिया अपने, दो हो गया बैलेंस, ठीक है। अगेन NCERT एक्सरसाइज का एक और, पॉज करो सॉल्व करो भाई, जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, ठीक है, तो बस ये टेक्निक याद रखो, पॉज करेंगे सॉल्व करेंगे हवन करेंगे। वाह वाह वाह, क्या पकाते हैं, बढ़िया। कम ऑन गाइस, खाली कमरे में ये करना आसान होता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यार हद है, इतना आसान तो कैसे ही हो सकता है सर। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया इज क्या, NH3। अब हाइड्रोजन यहाँ पे तीन है, हाइड्रोजन नाइट, एक सेकेंड, हाइड्रोजन तीन है, इधर हाइड्रोजन दो है, तो व्हाट आई विल डू इज अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना बताया मैंने, तो जहाँ दो है वहाँ तीन से मल्टीप्लाई करो, जहाँ तीन है वहाँ दो से मल्टीप्लाई करो, सिक्स, हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया, सिक्स यहाँ भी हो गया, नाइट्रोजन टू है ऑलरेडी बैलेंस। तुम नाइट्रोजन से भी स्टार्ट कर सकते थे बैलेंसिंग, कोई टेंशन नहीं होता, ठीक है, बैलेंस फिर भी हो जाता। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर मतलब रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, याद रखो। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, ठीक है, तो सेकेंड वाले की बात करें, H2S रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन गिव्स क्या देता भाई, गिव्स वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, गिव्स H2O प्लस SO2, सही है, गिव्स वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, सही है सर, बैलेंस तो करिए सर। हाइड्रोजन टू है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू प्लस वन थ्री है, तो ऑक्सीजन को मैं क्या करता हूँ, यहाँ टू लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टू और ये टू, ऑक्सीजन तो फोर हो गया, बराबर है। अब बाकी चीज़ें देखते हैं, हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, टू टू ज़ा फोर, हाइड्रोजन फोर हो गया भैया, तो फोर हो गया तो यहाँ पे भी फोर करना पड़ेगा, टू टू ज़ा फोर, ठीक है, हाइड्रोजन फोर हो गया। अब फिर सल्फर का टेंशन हो गया, सल्फर कितना हो गया यहाँ पर, टू, सल्फर यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ भी टू डालना पड़ेगा सर, ये तो सब जगह टू टू आ रहा है, अब क्या होगा, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया उसको देखो, लास्ट में सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, ऑक्सीजन इज टू हियर, इधर कितना हो गया टू, और ये टू टू ज़ा फोर, फोर प्लस टू कितना हो गया, है ना, यहाँ चार यहाँ दो, छः हो गया, इधर छः कैसे हो गया, थ्री डाल के, थ्री टू ज़ा सिक्स, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। आई होप कि या मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि इस वाले में दिक्कत हुई हो, आपको बताना बैलेंस हुआ था कि नहीं, ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड वाला था, ठीक है, बताते जाओ। और ये जो अगला जो दो है ना, ये आप सब अभी करोगे, चलो फटाफट सॉल्व करो, और मेरे को इसका आंसर जो है ना वो क्या है, कौन बैठा है वो, यस तुम, नहीं तुम्हारे पीछे वाला, हाँ अमित, चलो फटाफट इसका आंसर बताओगे, सी का बताओ, जल्दी बताओ अमित, अमित नहीं बताएगा तो उसके बगल वाला बताएगा, क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अल्यूमिनियम सल्फेट, यानी BaCl2 रिएक्ट्स विद Al2SO4 थ्राइस, सही है, ओके, गिव्स अल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट गिव्स AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट इज BaSO4, ठीक है, बेरियम वन, क्लोरीन दो है यहाँ पे, क्लोरीन तीन है, अल्यूमिनियम दो है, सो क्लोरीन को कर लेते फटाफट बैलेंस,
क्लोरीन 3 है, यहाँ वहाँ 2 है ना, सो अपोजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 और यहाँ पे 2, क्लोरीन दोनों तरफ 6 हो गया, 3 2 जा 2 3 जा, ठीक है। इसके बाद एल्यूमिनियम 2 है इधर, एल्यूमिनियम 2, ठीक है। SO4 थ्राइस है, तो यहाँ पे भी SO4 थ्राइस कर दूँ, इससे क्या होगा, बेरियम भी बैलेंस हो गया। नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस हियर, यस सही है बबुआ। चलो आगे देखो चौथा वाला, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम। सो पोटेशियम इज के, वाटर इज H2O, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज KOH प्लस हाइड्रोजन इज H2 गैस, बराबर है। फटाफट बैलेंस करो भाई, टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है, जल्दी जल्दी। सो सर कितना हो जाएगा, पोटेशियम वन, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट 2 हियर, जिससे क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर आ जाएगा, हाइड्रोजन 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 करने के लिए 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन हो गया 2, पोटेशियम 2 है सर, इधर 2 डाल दीजिए, अब क्या बैलेंस हो गया, यस बैलेंस हो गया, चेक कर लो, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आई थिंक जो, हाँ एक और है, सो ये वही वाला है ना, हाँ वही है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गया। एग्जाम्पलर के कुछ और सवाल है, जस्ट बैलेंसिंग इज बैलेंसिंग भाई, करना तो पड़ेंगे। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑल्सो क्लैरिफाई देम, सो ऑल्सो क्लासीफाई देम। अच्छा इसके पहले भी वो क्लासीफाइड टाइप्स ऑफ जो रिएक्शन है वो आपको करने होंगे, उस टाइम पे अपने को टाइप्स ऑफ रिएक्शन के टाइम पे ये चीज़ करनी होगी, ठीक है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देते हैं, लेड एसिटेट कर देंगे पिछले वाले में, टाइप किसने पूछा था, टाइप कहाँ पूछा था भैया, आइडेंटिफाई द टाइप, चलो इसका टाइप बता दो भैया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो तो बस पोटेशियम ने इसकी जगह ली और बेरियम ने पोटेशियम की जगह ली, सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन ने क्या बोला था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, ओके। ये क्या हो रहा है, ये एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजिंग, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ, और ये क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन क्या बोलते हैं, यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो डबल डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, डिकम्पोजिशन भी देख लिया, कॉम्बिनेशन टाइप भी हो गया यहाँ पे, बट अगेन इसकी डेफिनेशन अपन आगे पढ़ रहे होंगे, सो चिंता की कोई बात नहीं है, और अभी ये कर लेते हैं। लेड एसिटेट सर ये क्या होता है सर, सो लेड एसिटेट इज एसिटिक एसिड, बताया गया CH3COOH, बराबर ना, तो एसिटेट वाले में सिर्फ ये एच हटा देते हैं, ठीक है, तो लेड एसिटेट में क्या हो जाएगा, CH3COO- और लेड का होता है Pb2+ होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस 1 वाला था, ये प्लस 2 वाला है, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, सो CH3COO Pb2, ठीक है, वैसे कर ले CH3COO Pb2, ठीक है। लेड एसिटेट सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको रिएक्ट किया अपन ने HCl के साथ, बराबर है, टू फॉर्म लेड क्लोराइड, लेड का क्लोराइड यानी PbCl2 प्लस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन CH3COOH, सही है, कर लो बैलेंस भैया, कर लो। सो अगेन दिस इज, ये भी अपने को डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ही लग रहा है ना, क्लासिफायबल है, डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप ही लग रहा है, ठीक है। लेड यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, एलराइट 2 हियर। क्लोरीन कितना हो गया, क्लोरीन हो गया यहाँ पे 2 2 4, एलराइट 4 हियर, ठीक है। और अब हम बात करते हैं बाकी चीज़ों की, सो क्या बाकी चीज़ें बैलेंस लग रही है, अरे अच्छा यहाँ पे ये गलत किया अपने, एक सेकंड ना, एक और चीज, लेड का पीबी टू प्लस है ना, तो वो 2 इधर आएगा,
ना कि वहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पूरे ग्रुप को टू मिलेगा। अब बैलेंस करना है, नाउ बैलेंस दिस, ये फॉर्मूला है, नाउ वी नीड टू बैलेंस। सो वो पूरा ग्रुप को ट्वाइस करना ही है वैसे भी, तो इसको टू लिख ही देते हैं, बराबर। अब क्या है, अब लेड वन है, लेड वन है, क्लोरीन यहाँ पे टू है, एल राइट टू हियर, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, जस्ट चेक, बैलेंस हो गया, ठीक है। यस सर, आवाज आ रही है? आ रही है, यस यस यस, बेटर। सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं दूसरा वाला क्या है। अ पीस ऑफ सोडियम मेटल इज एडेड टू एब्सोल्यूट इथेनॉल। ओहो, ऐसी चीजें सर चैप्टर वन में आ गई तो मजा आ जाएगा। सो देख लो, पीस ऑफ सोडियम मेटल यानी Na रिएक्टिंग विथ एब्सोल्यूट इथेनॉल, यानी कि इथेनॉल का फॉर्मूला आपको लिखना है, C2H5OH, C2H5OH, दिस इज योर इथेनॉल, गिव्स टू फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड, यानी C2H5ONA, दिस इज सोडियम इथोऑक्साइड, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, ये हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। सोर ये कहाँ से आ रहा है? अरे ये पता है एग्जाम्पलर में क्या करते हैं, आगे पीछे के चैप्टर्स का भी कुछ उठाते हैं। कार्बन कंपाउंड चैप्टर जब पढ़ोगे तुम तो वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है ना इससे फैमिलियर हो जाओगे, अभी इतना टेंशन मत लो तुम, ठीक है। जस्ट लुकिंग फॉर द बैलेंसिंग पार्ट, अगर बैलेंसिंग पार्ट अपने को आ रहा है तो अच्छी बात है ना। CH3COO, Na, ठीक है। H1 है यहाँ पे, वहां पे H2 है, सो अगर H2 है तो I'll write 2 here, समझ गए। तो बेसिकली ये ग्रुप जो है अब ये ट्वाइस हो गया, तो I'll write 2 here, जैसे 2 लिख दिया तो वो सिर्फ इस ग्रुप को थोड़ी मिलेगा, वो सोडियम को भी मिल जाएगा, सोडियम भी हो जाएगा अपना 2, सो दो सोडियम, ये एसिटेट वाला जो ग्रुप है, या ये C2H5O वाला जो ट्वाइस हो गया, तो ये भी यहाँ पर ट्वाइस हो गया, और हाइड्रोजन 2 था बाहर, यू कैन काउंट दी एग्जैक्ट हाइड्रोजन ऑल्सो, हाँ कितना हो गया देखो, 5 और 1 6 6 2 12, यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितना हो गया देखो, 5 2 10 और 11 12, बराबर। वैसे भी सिंगल भी कर सकते हो, मैं थोड़ा ग्रुप थोड़ा ज़्यादा वैसे कर रहे हैं, बट सिंगल भी किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया 33rd। नेक्स्ट इज ये एक्चुअली जिसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस, ये जो भी बच्चा है ना, सब बच्चा एक बार ट्राई करना है इसको, अगर लग रहा है ना इक्वेशन बैलेंस हो रहा है या कुछ इस पर ज़रूर अटकोगे, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जितने हो सकते हो उतने सवाल प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो ये और देख लेते हैं, आयन ऑक्साइड, इनफैक्ट मैं भी अभी अटक रहा था, ठीक है। तो आयन ऑक्साइड ऑन हीटिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आयन थ्री ऑक्साइड इज ऑब्वियसली Fe3+, और ये ऑक्साइड इज O2-, 3 इधर गया 2 इधर आया, फॉर्मूला इज Fe2O3, बराबर ना। रिएक्टिंग विद कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO गिविंग वॉट, सॉलिड आयरन यानी Fe+, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, बराबर है ना, ठीक है। अभी इसमें ना वेन यू डू इट नॉर्मली, जैसे अभी अपन अब तक करते आ रहे थे वो तरीके से करोगे ना, 2 Fe, ये 1 Fe है, मैं 2 लिखता हूँ, फिर मैं ऑक्सीजन देखूँ यहाँ 3+1 4, तो इधर 4 करने के लिए मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। कार्बन हो गया 2, मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, फिर ऑक्सीजन की गड़बड़ी, एंड दिस साइकिल जो है ये ऐसे एंड नहीं हो रहा, तो फिर यहाँ 2 वाले नंबर से काम नहीं चल रहा, यहाँ पे नंबरिंग मेरे को आई हैव टू स्टार्ट विद ऑक्सीजन और उसको बैलेंस करना होगा। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब देखो क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान लगाना, इधर 3 है, इधर 1 H4 है, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 2 है, बराबर ना। पर मैं 2 लिखने से काम नहीं चल रहा, तो मैं एक नंबर बढ़ाऊंगा, 3 पे जाऊंगा मैं। अब जैसे 3 लिख दिया यहाँ पे, 3 2 6, नाउ आई हैव टू मेक यहाँ का ऑक्सीजन 6, इधर ऑलरेडी 3 है, आई विल राइट 3 हियर, 6 ऑक्सीजन हो गया, अब जो है ना ये बैलेंस हो जाएगा आसानी से। सो कार्बन इज 3, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, Fe जो है यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, आई विल राइट 2 हियर, दिस इज बैलेंस, ठीक है। ये जो आखिरी वाला, दिस इज वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी वैसे। हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, रिएक्ट्स विद व्हाट, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म सॉलिड सल्फर एंड वाटर,
राइट। अब ये बैलेंस करना था, कौन सी बड़ी बात है सर, इधर दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, दो लिख दिया इधर, ठीक है। हाइड्रोजन टू टू ज़ा फोर, यहाँ टू लिख दिया, सल्फर दो है, यहाँ टू लिख दिया, हो गया बैलेंस। चलते हैं अगले। बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे बैलेंस भी करना है, टाइप भी बताना है, ठीक है, जितना बता पाएंगे टाइप, ठीक है, अदरवाइज बैलेंस तो करना है ही। तो Mg1, Mg1, Cl2, Cl2, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस यार, एंड दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। इसके बाद HgO ऑन हीटिंग गिव्स Hg+O2, O2 है तो यहाँ पे भी 2 डाला, Hg2 हो गया, यहाँ पे भी 2 डाल दिया, और ये क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, सो दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद अगेन दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बैलेंसिंग देख लें, Na2, Na1 है तो 2 लिख दिया यहाँ पे, बाकी एस तो बैलेंस ही है। इसके बाद ये क्या हो रहा है, इसके अंदर मैग्नीशियम ने टाइटेनियम की जगह ली है बस, तो यानी दिस इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंसिंग की बात करें, अगर हम एक मैग्नीशियम एक टाइटेनियम, Cl2 है यहाँ पे, Cl4 है, तो व्हाट विल डू इज विल राइट 2 हियर, 2 2 4 हो गया, मैग्नीशियम 2 हो गया, मैग्नीशियम को 2 कर दिया अपन ने, बराबर है। फटाफट करते जाओ, अब ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद में यहां पर अगर देखो तो ये हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस कर लें सर इसको, यहां पे कैल्शियम वन, Si1, ऑक्सीजन 3, 1 और ये 2, कितना हो गया 3 हो गया। इसके बाद में H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड गिविंग H2O+O2, तो इसको 3 ऑक्सीजन हो रहा है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन है तो ऑड नंबर है, मैं उसको इवन बनाता हूँ, तो यहाँ 2 और यहाँ 2, कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन 2 2 4 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 है, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। एग्जाम्पलर का 35th क्वेश्चन, इसमें अपन ने टोटल 6 इक्वेशन बैलेंस कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नहीं दिस विल बी डन, ये रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन नेक्स्ट टाइम कर रहे होंगे, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वहां पे अपन करेंगे, ठीक है। राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दी फर्स्ट वन, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स सोडियम क्लोराइड यानी NaCl प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इक्वल इन इक्वल मोलर कंसेंट्रेशन गिव, अच्छा यहाँ पे कह रहा है राइट दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर दी इक्वल मोलर कंसेंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन फैक्ट यहाँ पे पता है क्या फॉर्म करता है, ये कुछ चीज़ें मेरे को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ भी दिया हुआ है, इनफैक्ट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं देता, इसमें ये देता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली दिस इज दी थिंग, इसको बैलेंस करना है, अगर Na2 है अपना Na2 हो जाएगा, Cl1 है सॉरी Cl2 है, Cl यहाँ पे 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2 प्लस 1 प्लस 2 इज 3, ऑक्सीजन 3 यहाँ पर भी है, सही है। तो ये कुछ इस प्रकार है, आई थिंक कुछ गड़बड़ियाँ दी है सवालों में एग्जाम्पलर के भी, ओके। इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स सोडियम क्लोराइड वाटर एंड सेम चीज़ होता है, इसमें भी यही होता है, मतलब अगर तुमने NaHCO3 लिया ना फॉर डूइंग द सेम रिएक्शन, इसके साथ ही रिएक्ट किया, सेम चीज़ें फॉर्म होती है, सिर्फ उसमें बैलेंसिंग अलग हो जाएगा बट सेम चीज़ें फॉर्म होती है, ठीक है। पहला वाले में गड़बड़ी था, दिस वॉज कॉपर सल्फेट ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड। तो कॉपर सल्फेट इज ऊपर कर दूं CuSO4 ऑन ट्रीटमेंट विथ पोटेशियम आयोडाइड KI
क्यूप्रस आयोडाइड बनेगा, Cu2I2 बनेगा, ठीक है, और क्या दिया है, लिबरेट आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, आयोडीन गैस एंड फॉर्म्स पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4, सही है। अब कॉपर में भी यहां पे Cu2I2, आई थिंक ये फॉर्मूला क्यूप्रस आयोडाइड, मुझे लग रहा है कि ये फॉर्मूला में भी गड़बड़ी है ना, दिस इज इट, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, सो हैव टू चेक, ये वाला एक बार देख लेना, ये फॉर्मूला भी गड़बड़ी लग रहा है। नाउ इज इट दिस बैलेंसिंग, देखो यहाँ पे Cu I2 और I2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 4, पोटेशियम को 4 करना है तो आई विल राइट 2 हियर, सल्फेट कितना हो जाएगा, सल्फेट यहाँ पे ट्वाइस हो रहा है, मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सल्फेट ट्वाइस हो गया, कॉपर, ओहो हो, एक मिनट, पहले ना जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बैलेंस कर लेते हैं, क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मूला इसलिए दे दिया गया है, उसके हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है, कॉपर टू, कॉपर 1 है यहाँ पर ना, राइट 2 हियर, फिर सल्फेट है यहाँ पर 3, सल्फेट है यहाँ पर 2, सल्फेट को मैं 2 लिख देता हूँ वैसे ही, पोटेशियम 2 2s 4 है, आई राइट 4 हियर, आयोडीन कितना हो गया, 4 हो गया, इधर 2 और 2 4, नाउ दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है, सो कौन सा था ये लास्ट वाला, इसके अकॉर्डिंग बैलेंस हो जा रहा, ठीक है, तो दिस इज अनदर बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन। अब मैं चाहूंगा कि ये जो चीज है ये आप एज अ होमवर्क कर रहे हो, ठीक है, एंड सो दिस टाइम अपन ने बैलेंसिंग किया हुआ है, मैं जो इसका आगे वाला यानी कि जो जितने भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है वो अपन अगले लेक्चर में कर रहे होंगे, बिकॉज ऑफ द लेंथ मैं चाहता हूँ कि इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करें, ठीक है, और बैलेंसिंग जो है वो ऑलरेडी थोड़ा लोड बढ़ाएगा आपका, तो वो चीज़ यू विल ट्राई दिस, एंड ऑल्सो जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन तुमको मिल रहे हैं बैलेंसिंग के 10th के रेफरेंस में, फर्स्ट चैप्टर के बाद वाले चैप्टर से भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनबैलेंस इक्वेशन उठाओ एंड ट्राई टू बैलेंस इट, ठीक है, पर आज हमने जितना किया हुआ है ना आई थिंक 10th के हिसाब से काफ़ी अच्छा कर लिया, ठीक है, और इतने इक्वेशन थे कि भाई अपन भी भारी हो गए थोड़े से, बट दैट्स ओके, पॉइंट ये है कि जितनी मेहनत करनी होगी अभी करनी होगी, और एक बार जब ये डन हो जाएगा ना चैप्टर, मजा आएगा इसके बाद, ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, कल के दिन यानी नेक्स्ट परसों जब हम कर रहे होंगे तो परसों अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो है उसके अंदर कवर हो रहा होगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय, आई थिंक कार्ड भी खत्म हो रहा है, बाय गाइज, बाय बाय।